दिनों की कठिन अनुष्ठान के बाद पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे। रामलला के गर्भगृह में विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होने के बाद पीएम मोदी ने राम मंदिर परिसर में आए मेहमानों को संबोधित किया। अपने 35 मिनट के संबोधन में पीएम मोदी ने 114 बार प्रभु राम का नाम लिया और श्री राम के मंदिर को भारत के उत्कर्ष और उदय का साक्षी बताया। प्रभु राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक क्षण राम भक्तों के लिए खास रहा। 11 दिन के कठिन अनुष्ठान के बाद भी पीएम मोदी में ऊर्जा भरपूर थी। मुख्य यजमान के रूप में पीएम मोदी चांदी का छत्र लेकर गर्भगृह की ओर बढ़े। मंदिर में गर्भगृह में पूरे विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने महापूजा के बाद प्रभु राम को साष्टांग नमन किया। इसके बाद आचार्य ने पीएम मोदी को अंगूठी पहनाकर आशीर्वाद दिया। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दिव्य स्वरूप का गर्भगृह में मौजूद सभी मेहमानों ने दर्शन किया। गर्भगृह से बाहर आने के बाद पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रभु राम 114 बार नाम लिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज प्रभु श्री राम से एक बड़ी धरोहर मिली है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र, ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 11 दिन के कठिन अनुष्ठान के बाद भी ऊर्जा से भरे हुए थे। श्री राम के आने की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। पीएम मोदी ने राम का गुणगान करते हुए उनसे क्षमा याचना भी की। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी।
हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। सभा संबोधन के बाद प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में आए मेहमानों से मुलाकात की, जिसमें व्यापार जगत के कई दिग्गजों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इन दिग्गजों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी थे। साथ ही लक्ष्मी निवास मित्तल और बाकी सभा में आए उद्योगपतियों से भी वो मिले। इसके अलावा पीएम मोदी ने संतों और महंतों से भी आशीर्वाद लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और यहां रुकेंगे।